तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है मसल ऑफ मस्टिकेशन। अब एक्चुअली में होता क्या है अपन का मस्टिकेशन करने में, इसका मतलब होता है चबाने में। कुल मिलाकर अपनी जो है चार मसल हेल्प करती हैं, तो उन चारों मसल को अपन मिला के बोलते हैं मसल ऑफ मस्टिकेशन। तो अपनी मसल ऑफ मस्टिकेशन में सबसे पहले अपनी आती है एक मेजेटर मसल, ये आपको दिख रही है ना, एक अपनी होती है मेजेटर मसल। उसके बाद अपनी एक आती है टेम्पोरालिस मसल, देन टेम्पोरालिस मसल के बाद अपनी साइड में होती हैं दो टेरिगॉइड मसल, एक होता है लेटरल टेरिगॉइड, दूसरा अपना होता है मीडियल टेरिगॉइड मसल। इन चारों मसल को मिला के अपन बोलते हैं मसल ऑफ मस्टिकेशन। और यार एक्चुअली में होता है क्या है, इस मसल ऑफ मस्टिकेशन पे यूनिवर्सिटी पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मसल ऑफ मस्टिकेशन। तो आज के अपन इस वीडियो में इन सारी मसल के अच्छे से ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। इसलिए आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो आज के अपन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं मेजेटर मसल पे। अब यार ये जो मेजेटर मसल है ना, उसका सबसे पहले तुम शेप देखो, वो तुम्हारी क्वाड्रिलेटरल होती है शेप में। अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें मेरा 3D मॉडल दिखाता हूँ। तो अब तुम मेरे फोन में यहाँ पे जो है 3D मॉडल देखो, तो उसमें ये वाली जो आपको मसल दिख रही है ना, यही है अपनी मेजेटर मसल। और ये मेजेटर मसल का शेप कैसा है, ये अपना मेनली होता है क्वाड्रिलेटरल अपना शेप में। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो अपनी क्या है, तीन यहाँ पे मेजेटर मसल होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल मेजेटर मसल, उसके नीचे अपना होता है डीप मेजेटर मसल, और सुपरफिशियल और डीप के बीच में अपना प्रेजेंट होता है मिडल मेजेटर मसल। तो सबसे पहले अपन ये सुपरफिशियल मेजेटर मसल को देखते हैं। तो उसका अब आप देखो ओरिजन, तो उसका जो ओरिजन रहता है ना, वो मेनली अपना होता है जाइगोमेटिक आर्च से। और ये अपनी कौन सी बोन है, ये अपनी है मैक्सिला। और मैक्सिला की ये वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। तो यह है अपनी मैक्सिला की जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये वाला पार्ट। और ये जो आपको आर्च दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। तो अपनी ये सुपरफिशियल मेजेटर मसल जो है वो इंटीरियर, ये आगे वाला 1/3 ऑफ जाइगोमेटिक आर्च से ओरिजिन ले रही है। ये आपको दिख भी रहा है, ये जो इंटीरियर में जाइगोमेटिक आर्च है ना, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद ये पूरी जो प्रोसेस थी ना अपनी जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये मैक्सिला की जाइगोमेटिक प्रोसेस, उससे इसका ओरिजिन हो रहा है। तुम क्या करो यार, मेनली इसका 3D मॉडल जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि तुम्हें जितने अच्छे से इसको 3D में तुम इमेजिन कर पाओगे ना, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फिर ये याद रहेगा। तो अपन ने इसका देख लिया अब ओरिजिन। अब आप देखो इसके सुपरफिशियल पार्ट का इंसर्शन। तो इसका इंसर्शन जो है वो अपने लोअर पार्ट ऑफ मैंडिबल में जाकर इसका इंसर्शन हो जाएगा। ये अपना है पूरा मैंडिबल बोन, और ये मैंडिबल बोन का ये है लोअर लेटरल पार्ट। तो लोअर लेटरल पार्ट में इसका हो गया अपना इंसर्शन। अब अपन देखते हैं इसकी डीप वाली बोन, ये वाली जो कि अपनी है डीप मेजेटर बोन। तो ये जो डीप मेजेटर बोन है ना, सबसे पहले एज कंपेयर अपन कहें सुपरफिशियल से, तो अपनी साइज में छोटी है। उसके बाद उसका ओरिजन अगर अपन देखें, तो इसका ओरिजन सिर्फ अपने जाइगोमेटिक आर्च से हो रहा है। ये अपना जाइगोमेटिक आर्च है ना, तो उसी से इसका हो रहा है ओरिजन। और फिर अपन इसके बात करेंगे इंसर्शन के बारे में, तो ये है अपना पूरा मैंडिबल बोन, और ये है मैंडिबल बोन का रैमस। तो इसका इंसर्शन जो है अपने मैंडिबल बोन के रैमस में इसका हो जाता है इंसर्शन। और मेजेटर मसल का जो मिडिल वाला पार्ट था ना, वो इन दोनों के बीच में लगता है। फिर अपन बात करते हैं अपने इस मेजेटर मसल की नर्व सप्लाई पे। और अपने चारों के चारों जो मस्टिकेशन मसल है ना, उनका एक कॉमन नर्व सप्लाई होता है, वो है मैंडिबुलर नर्व। मतलब ये मैंडिबुलर नर्व ही अपने मेजेटर मसल को, टेम्पोरालिस को, और मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड मसल को, इन सब को अपनी मैंडिबुलर नर्व ही सप्लाई करती है। बस मैंडिबुलर नर्व क्या करती है, जैसे कि ये मेजेटर नर्व है, तो वो एक अपनी दे देगी मेजेटर ब्रांच, देन ये मेजेटर ब्रांच जो है अपनी मेजेटर मसल को सप्लाई कर देगी। सिमिलरली टेम्पोरालिस में भी यही होता है, ये जो मैंडिबुलर नर्व है ये अपनी दे देती है एक टेम्पोरल ब्रांच,
मतलब जैसी अपनी मसल है ना, उसी की सेम नाम की अपनी मैंडिबुलर नर्व दे देगी ब्रांच। तो आपको क्या इसका नर्व सप्लाई तो बड़ा ही इजीली तौर पे याद हो जाएगा, सारी की सारी अपनी मस्टिकेशन वाली मसल सप्लाई होती है मैंडिबुलर नर्व से। अब बात अपन करें इसके एक्शन की, तो यार ये जो मेजेटर मसल और टेम्पोरालिस, इन दोनों का एक्शन जो है वो अपना है सेम। ये दोनों के दोनों अपने इस मैंडिबल को करवाएंगी एलिवेट और रिट्रैक्ट। जैसे कि तुम्हें कुछ चीज चबानी है तो तुम मैंडिबल बोल कैसे खोलोगे ना, तुम उसे करोगे डिप्रेस, तो वापस से उसे अपने ओरिजिन लेवल पे मतलब कि एलिवेट करने में, ऊपर लाने में अपनी यही मेजेटर मसल मदद करती है, अपनी यही मेजेटर मसल जो है मदद करती है। तो एक इसका एक्शन हो गया एलिवेट, ये अपने मैंडिबल को जो है एलिवेट करवाने में मदद करेगी। दूसरा इसका मेन फंक्शन है रिट्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रिट्रैक्शन क्या है, तो उसको समझाने के लिए मुझे क्या तुम्हें इसकी पिक दिखानी पड़ेगी। अब तुम मेरी ये वाली पिक देखो, तो उसमें आपको ये एक दिख रहा होगा लड़का, ये क्या कर रहा है इस समय, ये अपने मैंडिबल बोन को आगे की तरफ ले जा रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे प्रोट्रैक्शन करना, वो अपने मैंडिबल बोन को जो है ऐसे आगे की तरफ ले जा रहा है। और जब अपने मैंडिबल को अपन वापस से इसकी ओरिजिन प्लेस पे ले जाएंगे, मतलब बैक टू द नॉर्मल पोजीशन जो कि नीचे है, उसको अपन बोलेंगे रिट्रैक्शन। तो मेनली अपनी जो मेजेटर मसल है ना, वो अपना एक तो एलिवेशन में और इस तरीके से रिट्रैक्शन में, मतलब मैंडिबल बोन को वापस से अपनी ओरिजिन प्लेस में लाना उसमें मदद करेगा। तो अब अपन देखते हैं इसकी सेकेंड मसल पे जो कि है टेम्पोरालिस मसल। तो सबसे पहले ये जो टेम्पोरालिस मसल है ना, इसका आप शेप देखो, ये अपनी फैन शेप की होती है, जैसे अपना पंखा रहता है ना, तो ये अपनी एक फैन शेप की मसल है। फिर अपन बात करें इसकी ओरिजिन की, तो ये अपना ओरिजिन लेता है टेम्पोरल फोसा से। अब टेम्पोरल फोसा को मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे देखो ये अपने शल्क बोन के साइड में अपनी प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन। देन इस टेम्पोरल बोन के अंदर वाला पूरा हिस्सा, ये जो इतना पार्ट आ रहा है ना इसका, उसी को अपन बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। और इसी टेम्पोरल फोसा में अपने लगती है ये टेम्पोरालिस मसल। तो इसका आपको अच्छे से ओरिजिन याद हो गया होगा कि टेम्पोरालिस मसल का ओरिजिन होता है टेम्पोरल फोसा। फिर अपन बात करें इसके इंसर्शन की, तो ये जो मसल है ना, इसका इंसर्शन अपना होता है मैंडिबल बोन पे। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंडिबल बोन पे जाके इसका हो रहा है इंसर्शन। मैं अगर आपको मैंडिबल बोन हाइट करूं तो ये अपनी पूरी है मैंडिबल बोन। देन इस मैंडिबल बोन की होती है दो प्रोसेस, ये जो आगे वाली प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस, और उसकी पीछे वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो ये जो टेम्पोरालिस मसल है ना, वो क्या करती है अपने इस मैंडिबल बोन की कोरोनॉइड प्रोसेस में जाके इंसर्शन लेती है। तो यहाँ पे इंसर्शन पे ये लिखा है डीप सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, ये आपको दिख रहा है ना, देखते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस में अपना इंसर्शन ले रही है। उसके अलावा इसको अपन बोलते हैं इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रामस ऑफ मैंडिबल, ये अपने मैंडिबल का रामस है और ये है उसकी इंटीरियर बॉर्डर। तो इसकी इंटीरियर बॉर्डर पे भी इसका इंसर्शन हो रहा है, तो इसके हो रहे हैं दो इंसर्शन। फिर अपन बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो मैंने आपको बताया ये अपना वही मैंडिबुलर नर्व से ही सप्लाई होगा, और मैंडिबुलर नर्व इस मसल को सप्लाई करने के लिए एक देगी ब्रांच, वो है डीप टेम्पोरल ब्रांच। तो इसका नर्व सप्लाई होगा डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व से। फिर इसका एक्शन मैंने आपको बताया, जो अपने मेजेटर मसल है ना उसकी तरह ही इसका सेम टू सेम हो जाएगा एक्शन। अब अपन इसकी देखते हैं दूसरी मसल, वो है लेटरल टेरिगॉइड मसल। और यार ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है ना, इसके थोड़े ओरिजिन इंसर्शन को याद करने में थोड़ा अपना ज्यादा इमेजिनेशन लगता है, तो इसको क्योंकि ये डीपली प्रेजेंट है तो मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले अपन लेते हैं लेटरल टेरिगॉइड, तो उसके लिए बिल्कुल मुझे तुम्हें जूम करना पड़ेगा, ये मैंडिबल बोन है, इसको मैं और जूम करता हूं तो ये आपको दो स्मॉल मसल दिख रही है ना, इसे अपन बोलते हैं लेटरल टेरिगॉइड मसल। एक्चुअली में इस लेटरल टेरिगॉइड मसल के दो हेड्स होते हैं, एक इसका है अपर हेड, दूसरा है इसका लोअर हेड। अब सबसे पहले
मैं इसके अपर हेड को सेपरेट करता हूँ या मैंने इसके अपर हेड को सेपरेट करा, तो अपनी ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है इसका अपना ओरिजिन होता है स्पिनॉइड बोन से, ठीक है। तो जो इसका अपर हेड है ना, वो अपना इसका ओरिजिन होगा एक तो इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस और इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट, ये दोनों के दोनों सरफेस जो हैं वो एक्चुअली में अपने पार्ट हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड बोन के। वो पार्ट तो स्पिनॉइड बोन का ही है। अगर मैं आपको ये इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस दिखाऊं अगर 3D मॉडल में, तो अब आप देखो ये अपसाइड में, तो ये है अपना लेटरल टेरिगोइड का अपर हेड और इसका जो ओरिजिन हो रहा है ना यहाँ पे, इस जगह को अपन बोलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस। क्यों? क्योंकि ये अपना ऊपर की तरफ देखो, ये है अपना टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो इस टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है ना, इसलिए इसका नाम है इंफ्रा टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल के नीचे। तो इसका जो अपर हेड है उसका अपन ने देख लिया ओरिजन, उसका ओरिजन हो रहा है इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस से, जो कि अपना पार्ट है स्पिनॉइड बोन का ही। फिर अपन देखें इसका इंसर्शन, तो मेनली जो इसका इंसर्शन है ना वो अपना मैंडिबल पे ही हो रहा है। तो इसका इंसर्शन अपना होता है मैंडिबल पे, जो मैंडिबल बोन है ना अपनी, उस पे इसका जाके हो रहा है इंसर्शन। अब अपन ले लेते हैं इसका लोअर हेड, इसका पी अपन ने देखा था अपर हेड, अब देखते हैं इसका लोअर हेड। तो मैंने इसको सेपरेट करा, तो इसका जो लोअर हेड है ना उसका तुम अब देखो ओरिजिन होता है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से। अब मैं आपको उसको समझाऊं, एक्चुअली में जो अपना स्पिनॉइड बोन है ना उसमें अपनी ऐसी रहती हैं दो प्लेट्स। तो अब आप देखो ये जो अपनी ये वाला जो बोन का पार्ट है ना अपने शल्क बोन का, ये है अपनी स्पिनॉइड बोन, और अपनी स्पिनॉइड बोन में इस तरीके से दो प्लेट प्रेजेंट रहती है, उसको अपन बोलते हैं लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। तो ये जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है ना, उससे आपका ये लेटरल टेरिगॉइड मसल का हो रहा है ओरिजन। ये आपको दिख भी पा रहा होगा अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो कुछ इस तरीके से इसका हो रहा है ओरिजन, और इसका इंसर्शन भी अपना वही मैंडिबल बोन पे जाके इसका हो जाता है इंसर्शन। फिर बात अपन करें नर्व सप्लाई की, तो वही इसका नर्व सप्लाई भी अपना हो रहा है मैंडिबुलर नर्व से। और अब अपन देखते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो यार इसका जो एक्शन है ना वो अपने टेम्पोरालिस मसल और मेजेटर मसल के दोनों के बिल्कुल अपोजिट है इसका एक्शन। यहाँ पे अपना जो टेम्पोरल मसल था वो इसको एलिवेट कर रहा था और रिट्रैक्शन करवा रहा था, वैसे ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है ना वो इसको करवाएंगी डिप्रेस और प्रोट्यूड। डिप्रेस से मैं बताऊं मतलब ये जो अपना मैंडिबल है इसको ऐसा खोल देगी नीचे की तरफ, डिप्रेस करवा लेगी, और प्रोट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था अपने मैंडिबल को ऐसे आगे की तरफ ले जाएगी। मैं फिर से अगर दिखाऊं, ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से ये प्रोट्यूस कर देगी, मैंडिबल को थोड़ा आगे ले आएगी। और ये जो इसका फंक्शन है ना प्रोट्यूड, ये एक्चुअली में कॉमन फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी भी लिखा है, एक्चुअली में जो अपनी टेरिगॉइड मसल होती है ना, मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड, उन दोनों मसल का एक कॉमन एक्शन होता है कि वो दोनों की दोनों करवाती हैं प्रोट्यूड। बस फर्क इतना होता है ये जो लेटरल टेरिगॉइड है वो करवाएगी डिप्रेस, वहीं मीडियल टेरिगॉइड जो रहती है वो उसको करवाती है एलिवेट। तो इसके अपन लास्ट मसल देखते हैं मीडियल टेरिगॉइड। और यार मीडियल टेरिगॉइड के बारे में मैं आपको बताऊँ ना, जो अपना लेटरल टेरिगॉइड है ना उसके कंपेयर में मीडियल टेरिगॉइड का साइज जो है वो लार्ज होता है। इसको क्या मैं सेपरेट करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये जो मसल है ना, ये जो लार्ज मसल है एक्चुअली में, इसे ही अपन बोलते हैं मीडियल टेरिगॉइड मसल। और ये मीडियल टेरिगॉइड मसल का शेप कैसा है, ये भी अपना एक क्वाड्रेंगुलर शेप की होती है। अब आप इसका बोलते हैं अपन, अब अपन देखते हैं इसका ओरिजिन। तो अपनी जो मीडियल टेरिगॉइड मसल है ना उसका भी दो ओरिजिन होते हैं, एक सुपरफिशियल हेड और एक डीप हेड। तो इसका मैं आपको हेड दिखाऊं, तो क्या जूम करना पड़ेगा एकदम, ये देखिए आपको दिख रहा है ना इसके दो हेड, ये जो मसल है उसके आपको अब एक दो हेड्स दिख रहे होंगे ओरिजिन के, एक इसका सुपरफिशियल हेड है और दूसरा इसका डीप हेड है। तो इसका जो सुपरफिशियल हेड रहता है ना
उसका ओरिजिन होता है ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैग्जिला से। जो अपनी मैग्जिला है ना उसमें एक ट्यूब्रोसिटी रहती है, तो ट्यूब्रोसिटी ऑफ मैग्जिला से इसके सुपरफिशियल हेड का होता है ओरिजिन। वहीं अपन बात करें इसके डीप हेड की, तो इसका डीप हेड जो है, जो मैंने आपको स्पिनोइड बोन में एक प्लेट बताई थी ना टेरिगोइड प्लेट, तो उसी टेरिगोइड प्लेट के मीडियल सरफेस से इसका हो रहा है ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन आप अच्छे से याद कर लेना। देन बाद अपन करते हैं इसके इंसर्शन की, तो इसका इंसर्शन जो है मेनली अपना होता है मैंडिबल बोन पे, और मैंडिबल बोन पे भी कहाँ पे हो रहा है, मैंडिबल बोन की मीडियल सरफेस पे। ये अपनी है मीडियल सरफेस, तो अपना कुछ यहाँ पे इसका होता है इंसर्शन। देन अपन बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो वही इसकी मैंडिबुलर नर्व जो है इसको करवाता है नर्व सप्लाई। एंड में देखते हैं इसका एक्शन, तो इसका एक्शन मैंने एक तो बता दिया था प्रोट्यूट करवाना, ये तो दोनों टेरिगॉइड मसल का कॉमन एक्शन है, लेकिन जो मिडिल टेरिगॉइड है वो करवाती है एलिवेट, वहीं लेटरल टेरिगॉइड अपना करवा रही थी डिप्रेस। तो यार ये मैंने आपको सारा का सारा मसल ऑफ मस्टिकेशन बता दिया। अब मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, फिर ये भी बताऊँगा इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। और यार क्या होता है, अगर तुम्हें इसके स्क्रीनशॉट में क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ पर मैंने इसके एचडी में नोट्स प्रोवाइड करे हैं आपको, तो आप वहाँ से इसके एचडी नोट्स भी ले लो। और अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, इस वीडियो को तुम करो लाइक, और तुम्हें अगर मेरे लिए कुछ करना है तो तुम करो मुझे शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, यही अल्टीमेटली मेरा रिवॉर्ड है, उसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अगर कभी आ गया यूनिवर्सिटी में तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो सारे मेरे भाई लोग तो तुम अच्छे से सुनो, मसल्स को हमेशा चार हेडिंग में लिखना मैं बताता हूँ। पहले तुम डालना मसल और मस्टिकेशन की मेन हेडिंग, देन ऐसे एक एक करके, फिर मैजेटर मसल डालना, फिर उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, चारों पार्ट्स लिखना। ऐसे करके तुम इसके सारे मसल है ना चारों के चारों मसल का एक्सप्लेन करोगे। देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये दो डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। तो यार बड़ा ही इजीली तरीके से डायग्राम बन जाते हैं, तुम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तुम्हें करना क्या है, एक शल्क बोन बना देना, फिर उसमें ये एक डायग्राम में टेम्पोरालिस और मेजेटर शो कर देना, देन सेकेंड वाले में इसकी मीडियल और लेटरल टेरिगोइड मसल तुम शो कर देना। जो तुम्हारी बीडीज और विश्राम सिंह है ना उसमें थोड़े इसके और इजी डायग्राम मिल जाएंगे, तो उसकी तुम प्रैक्टिस कर लेना। तो होप सो तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, तो मेरी इस वीडियो को तुम करो लाइक, और तुम्हें और अगर ऐसे ही हेड एंड नेक के टॉपिक्स चाहिए तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, मैंने वहाँ पर पूरे टॉपिक्स डाल रखे हैं, मैं अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, एब्डोमिन, पेल्विस पहले ही पूरे अपलोड कर चुका हूँ, उसके सारे आईएमपी टॉपिक, मोर देन 100 वीडियोस से भी ज़्यादा मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहो।